पावरफुल वेपन इज साइलेंस। मैं कितना चुप रह सकता हूं, और ये चुप का तो आपका पहला फेज का रिजल्ट मिला आपको, दूसरा चुप का भी एक बड़ा भयंकर रिजल्ट है, और वो उस समय टेस्ट लेगा वो चुप, वो साइलेंस। साइलेंस इज गॉड, साइलेंस इज लव। वो तो सबसे पहले यही पूछेंगे। हाँ, जिहाद का नाम सुने हैं, पढ़े हैं कभी लव जिहाद? प्यार से छुरा मारना होता है। तो आप जब भी वो मैटर पे आ रहे हैं ना, आप वहां पर मैटर को और इधर उधर लेना है, उस मैटर पे आने ही नहीं देना है। कैसे हो? कैसे हम लोग इधर उधर की बात? हाँ, यही तो करना है। अब देखो, आप जब आपके कल तक आपके पास सामने एनिमी नहीं था, आज एनिमी आया, आपसे डिप्लोमेसी कर रहा है, आप कह रहे हो कि मैं जैसे हूं ऐसे ही ठक, ना भाई चल काट दिया फोन, काट दो, और उसी का तो इंतजार में बैठे, क्योंकि आप जो कॉल सुना इसलिए तो दौड़ के आया, ये सुना आप भेजे, देखा मतलब सुना इन द सेंस क्या फील किया, ठीक से बात की, ये वाला बात ठीक था जो ये किए, हाँ ठीक है चलेगा, औसतन धीरे धीरे आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, शनिदेव बढ़ा रहे, आपको भी ट्रेनिंग दे रहे, अब उससे भी कम बोल रहे। हाँ हाँ, नहीं कम और ज्यादा का बात नहीं बोल रहा हूँ, आप नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूं कि आपको उनका तो फोकस एक ही जगह में है कि फायर यही करना है, और आपका काम है कि डिस्टर्ब होना है, आप ऑब्जेक्ट हो, आप टारगेट हो, और वो गन लेके खटे खड़े हैं, मतलब बड़ा मुश्किल है ना बार-बार यही पूछे। हाँ, यही बोल सकते हैं एक चीज की मेरे साथ या किसी और के साथ भी कोई भी घटना घटे, आदमी पहले क्या चाहेगा, जब आपको पछाड़ना चाहता है तो उसके पास अगर लीगल वे पे जाएगा, और जाएगा पक्का क्योंकि पीछे बैठी है एक वकील, तो वो क्या चाहेंगे आपके, उनके पास एक स्ट्रांग एविडेंस चाहिए, वो कहाँ घर बैठे थोड़े मिलेगा, वो शत्रु के खेमे में जाना पड़ता है, मैं भी गया हूं। तो आएंगे फिर कुछ एविडेंस इकट्ठा करेंगे। हाँ, वो जो आए थे लास्ट टाइम वही तो किए, फिर आएंगे। हाँ, आपकी दृष्टि में दिख रहा है ना, अब मैं सोचिए, मेरे को जो दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं, और आपका बार्थ चार्ट का प्लानिटरी पोजीशन, यूनिवर्सल प्लानिटरी पोजीशन, माता पिता का प्लानिटरी पोजीशन, इस समय माता पिता को क्या पीड़ा होने वाला है वो मैं देख पा रहा हूं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लॉयर को कुछ अलग दिखता है, जब भी वो शनिदेव आते हैं ना, कुछ अलग देख लेते हैं वहां बैठे बैठे, ठीक है ना, और वो क्या क्या करेंगे, क्योंकि आप उस फील्ड पे नहीं हो, और क्योंकि अब तक किसी ऐसे एडवोकेट आपका दोस्त नहीं है, क्योंकि आपके जीवन पे इस प्रकार का कभी घटना नहीं घटा है, मेरे साथ घटा है, मैं जानता हूं, आप सोचिए, आपका एक फोटो ही उठा ले आपको पता नहीं चलेगा, और उस फोटो का क्या से क्या में नहीं निकाला जा सकता है, आप समझ ही नहीं सकते, एक सिंपल फोटो का आप बात कर रहे हैं, आपको आप यहां पर आए, आपको यहां माइक्रोचिप छोड़ के नहीं गए होंगे, आप प्रूव कर सकते हैं क्या क्या बातचीत हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, और आजकल तो जानते हैं 500 GB का भी मिलता है। हाँ, बुलाना है ना, इसलिए बुलाना है कि आप अपना भद्रता दिखाओगे, आप अपना अच्छाई कैसे प्रकट करोगे उनके सामने, आप जो वो लोग आपको दोषारोप करके गए, या जो कुछ भी आपके ऊपर वो लोग ओवर पावर करके गए, अब वो दोबारा जब आ रहे हैं या फिर से बात करने आ रहे हैं उस कंडीशन पे उनका क्या एटीट्यूड बना, क्या ओवर फोन जान सकते हैं, किस धरा पे हैं वो लोग, नीचे हैं ऊपर हैं, क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, ओवर फोन नहीं जान सकते। जैसे ये कन्फर्म हो गया, यहाँ आए, बातचीत हुआ, आप सबका बात रिकॉर्डिंग किए, उसके बाद मेरे को बोले, और हर एक आदमी का बातचीत से मेरे को इतना पता चला कि इसके पीछे ये बहुत ज़्यादा क्या कहा जाए, डिप्लोमेटिक लेवल पे एग्रेसिव मोड पे हैं, लेकिन आपको नहीं जता रहे हैं, सारे मिसाइल्स सारे वेपन्स तैयार बैठा है, बस खाली आपका हाँ या ना का इंतजार चल रहा है एक्शन लेने के लिए। चलो अगर मैं, उनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन अब वो भी तो आंख लिए होंगे कि इनके पास कितना है, अब चलो उनको पैसा नहीं चाहिए, आपसे पैसा नहीं चाहिए, डिवोर्स के बाद पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक लेसन दे के जाए तो चलिए, उसका पिताजी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो वहां शनिदेव बैठी है लेडीज शनी, वो तो छोड़ने वाली नहीं है ना, नहीं वो नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी ना, आप कंफर्म हो गए ना, अब फिर मेरा मेरा टारगेट वही है ना, क्योंकि मैं खुद शनिदेव हूं, मुझे उसको देखना है कि उससे बचाना है आपको, और किससे नहीं बचाना है, अब इसके पास अभी क्योंकि हमारे पास कुछ डाटा नहीं है,
तो हम कहां से अपने अपना डिफेंस को देख सकते हैं? अब तक आप ना वकील से बात किए, अब तक ना उनका डिटेल डाटा ले पाए, अब तक ना हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे आए, अब तक ना ईश्वरीय होप भी आया है। क्योंकि मैं तो आप इतना दिन आफ्टर रुद्राभिषेक मैं चुप क्यों था? मैं भी आपका एक फोन का इंतजार था। अच्छा, न्यू ईयर में मैं अपने तरफ से विश करने के लिए फोन भी किया, लगा नहीं, चलिए मैं देखा बिजी था या नहीं लगा, कुछ हुआ होगा। लेकिन मैं इंतजार में था ना कि आपका आए, तो आपका आया तो क्या आया, कब ना बोलेंगे, ठीक है? मैं बोला ओ अब तक नहीं हुआ है, ठीक है दौड़ो अब, ठीक है ना। तो और दूसरा क्या है ना, जब स्पाउस के हाउस में इस प्रकार के प्लैनेट बैठे रहते हैं, सबसे खतरा रहता है दूसरे का अकल, दूसरे का बुद्धि से। एक लड़की कब अपना घर तोड़ती है? हमेशा याद रखिए, दूसरे का बुद्धि से, अपना बुद्धि से नहीं। वहां एक शकुनी मामा जरूर बैठा होगा। अब ऐसा शकुनी मामा, पहले समझिए शकुनी मामा माने क्या, वो पूरा महाभारत खत्म हो गया लेकिन अपने को मैनिफेस्ट होने नहीं दिया कि वो शत्रु है या मित्र है, वो इतना बैकग्राउंड में रहा। और अगर महाभारत में बोलेंगे कि कृष्ण का जय हुआ है, कृष्ण ही तो सुपर, बहुत सुपर डिप्लोमेटी थे, डिप्लोमेसी वो सब सक्सेस उनको मिला, नहीं, एक ही आदमी जीता है और वो है शकुनी। यस, लेकिन महाभारत को उस फील्ड में हमें प्रस्तुत किया गया है कि हमें लगता है कि कृष्ण भगवान है और वो पांडव लोग जीते, लेकिन अल्टरनेट एक ही आदमी जीता, वो है शकुनी जीता। जिस टारगेट को वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया है उस महाभारत के अंदर, एज इट इज गिरा है, वो काम करके गया। यहां इतना ही मेरा तात्पर्य है कि आपको डिफेंस में चलना है और अगला के लिए सारा डाटा लेवल लेके आना है। क्यों लाना है? एक, आपका बेटा का सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम बूढ़ा बूढ़ी हो चुके हैं, आज नहीं तो कल हम लोग चले जाएंगे, बेटा को उस बहू के साथ जीना है। और हो सकता है गलती से हम भी गलती करते रहे, वो है अच्छा, लेकिन अब सामने आया गलती, क्योंकि राहु महादशा ऐसा ही है, राहु महादशा नहीं जानते हो, वो हर सच को छुपाएगा और हर झूठ को सच बना के सामने रखेगा। तो आपका क्या मतलब है कि वो लड़की ठीक है? मैं एकदम नहीं कहा, एक शब्द नहीं लगाया, और आपसे डिप्लोमेसी भी नहीं कर रहा हूं यहां बैठे बैठे। मैं एक कंप्लीट निस्वार्थ और पूरे ज्योतिषी का ड्यूटी निभा रहा हूं, अपने कर्तव्य को कर रहा हूं। मैं कदाचित आपको नहीं कह रहा हूं कि आप उसको लाके रखिए, ऐसा शब्द नहीं लगाया, शुरू से नहीं लगाया, अब भी नहीं लगाया, और यह भी नहीं कहा कि आप उसे फटा भगाइए और डिवोर्स दो, क्योंकि मैं भी दो बेटी का बाप हूं, आप तो एक बेटा का बाप मां हो। इसलिए मुझे यहां ड्यूटी क्या है, मेरा भाई को भी बचाना है, मेरा बेटा को भी बचाना है, और आपका फैमिली को भी बचाना है। और समस्या कहाँ है? ऐसे दुश्मन जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो मैं समझ गया, हम लोग को डाटा ऐसा चले कि मैं जहां पासा डालना चाहता हूं वहीं हो, यानी उन दो डेट पे अगर वो यहां आ जाए, आप मत बुलाओ, आप मत बुलाओ, आपको वो लेवल पे लेके जाना है कि उसी दोनों डेट पे, क्योंकि मेरा प्लानिटरी पोजिशन स्ट्रांग होगा, अब दुश्मन को आने दो, मैं अपना घर पे मारूंगा। हाँ बोलिए, ढोंगी जानते हो? हाँ। माफ करिएगा, गलत सिखा रहा हूँ आपको, ऐसे एज ए ज्योतिषी नहीं सिखाना चाहिए, नहीं नहीं ढोंगी होना भी चाहिए, एज ए योगा टीचर भी नहीं सिखाना चाहिए, अच्छा ढोंगी बनना सीखना है। और चाणक्य नीति में खुद चाणक्य बोल रहे हैं कि ढोंगी बोलना सीखो। ऐसे कैसे सीख जाएंगे चाणक्य संजय? मीटिंग का बात बोला, पहला मीटिंग कोई डाटा नहीं था, दूसरा मीटिंग अब तक आपको सिस्टम पता चला, तीसरा मीटिंग तब रखेंगे उससे पहले, क्योंकि आप उन ओपोनेंट के बारे में डिटेल कवर अप कर लिए होंगे, आपके पास डूज डोंट्स है, और उसके बाद बैठ रहे हैं। और तीसरा ये कह रहे हैं कि हम लोग या हमारा फैमिली उनके पावर के आगे या उनके ओवर पावर के आगे या उनका बात करने का एंथो के आगे, उनका प्रेजेंटेशन के आगे हम लोग बहुत जीरो हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस किसी का नहीं होता है, सिचुएशन आता है आदमी को एक्सपीरियंस करवाता है। आप जो कंडीशन पे हो, आप खुद मुझे देखे हो, मैं भी किसी दिन इतना ही नॉर्मल, इतना ही सिंपल, और मुझे लगता था कि जब मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो मेरे साथ कोई गलती नहीं करेगा। मुझे लगता है कि मैं जब लेफ्ट साइड में गाड़ी चला के जा रहा हूं और 30 स्पीड में जा रहा हूं तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट तो हुआ और भयंकर हुआ। सिचुएशन मुझे यहां तक ले आया कि आज मैं आपके सामने इस प्रकार का भी बात कर रहा हूं, नहीं तो मेरा ये वार्डिंग नहीं था,
आप याद करिए जब पहला दिन पहला घर आया था, इसी टेबल पे बैठा था, पहला नींबू का पानी पिलाए थे, और आप किसी कराटे मास्टर के बारे में बोल रहे थे और मैं उसके बारे में पॉजिटिव बोला था कि नो, वो था संजय और आज ये संजय है, रावण बन के बैठा है। लेकिन होता नहीं है ना, इसी का नाम तो ढोंगी है, इसी को तो बोलते हैं ढोंग। और ढोंग रचाना माने क्या है? ये ढोंग बता ले। हाँ, जो नहीं है उसको दिखाना, जो है उसे नहीं दिखाना, छुपाना, इसी का नाम तो ढोंग है, है ना। तो चाणक्य नीति के अनुसार ये जरूरी है, उसको थोड़ा सा बढ़िया से मसाला जैसे ला के दिया ना मेरे को अभी, मसाला वसाला मार के बढ़िया, अब खाली पनीर देते चलो ये नेचुरोपैथी वाला है खा लो। बस नहीं समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, उत्तर आपका हो लेकिन उनका मुंह से हो, पहला दिन भी बोला था आज भी बोल रहा हूं। अब आपका हड़बड़ी किस बात का है, हम ही बोल दें, आपको क्यों पढ़ाया बोलने के लिए, आप अपने सर पे अट्ठा क्यों ले रहे हो? नहीं, एकदम नहीं। अब मेरे को मेरे सर पे अट्ठा नहीं लेना है। मैं क्या बोलूं, मैं जो चाहता हूं करेगा करेगी तो वही, मैं नहीं कहूंगा, मुंह से वो करेंगे, और उसके लिए तो कृष्ण भगवान का चक्र नहीं चाहिए। श्री कृष्ण गए थे ना दूध को। हाँ, ये बात है और कुछ नहीं।